अब जितने भी इकट्ठे हुए हैं उनकी रूह को सारे सवाल करते हैं, पेश कर रहा हूं कसीदा रब करमा दमी बरसावे तो मुकद्दर संवार देता है, अली का दुख सब चेहरा बिगाड़ देता है, उस जात को जाना समझ सबके सबके जो के जो प्रभु से नबर नबर उखाड़ देगा रब करमा रब करमा दमी 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 बरसावे ओदी मुश्किल Hey!
जी अमर शाह साहब कैसे इंतकाल फरमा गए? सर वो अचानक कि उनकी डेथ हुई है कार्डिक अरेस्ट होने से, और बहुत बड़ा सानिया था पूरे अहले इलाका के लिए। हमारे भाई थे तमाम के साथ, बच्चों के साथ बच्चों, बड़े के साथ बड़े, नहायत शफीक, नहायत प्यारे इंसान। और आज से कुछ कम से कम 15 साल पहले वो 8 के 9 गोल्ड मेडल जीत के आए हैं पावर लिफ्टिंग से। पावर लिफ्टिंग में पावर लिफ्टिंग चैंपियन थे। सर क्या कहेंगे अमित शाह साहब के बारे में? सर अमित शाह ऐसा शख्स था कि उसकी तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि उसने कोई काम भी दुनिया का ऐसा नहीं है कि ना किया हो। उसने मोहब्बत की है, इंतहा की है। शाह साहब जो दुनिया से चले गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे इंसान थे? वो बहुत नाइस इंसान थे, सबसे मिलने वाले, प्यार करने वाले, जो भी उनसे मिलता था वो उनका ही हो जाता था। शाह साहब के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ कि वो कैसे इंसान थे, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, और आप उनके जाने से आपके क्या सूरत हाल है, कैसे दिन गुजरे हैं, और आप उनको मिस कर रही हैं, कुछ बताना चाहेंगी आप? आमिर बहुत अच्छा बच्चा था, इन्ना को अच्छा था कि मैं बयान नहीं कर सकती, और इतराम बहुत सारा करता सी। मैं बैठी हैं ना, उन्हें कहना अम्मी मैं इधर हो जाना, तुम इधर हो जाओ। जब आखिरी वक्त आया तो कहता अम्मी मैंने तो मेरा तो हो गया काम पूरा, मैं तो जा रहा हूँ अपने अब्बू के पास।